गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली भारतीय जैन संगठन व सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर की ओर से मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 18 से 21 फरवरी तक किया गया है। 18 फरवरी को सरदार पटेल महाविद्यालय में प्रीपेयरिंग ट्रेनर्स के लिए मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम में इस वक्त पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शांताराम पोटदुखे, गोंडवाना विद्यापीठ कुलगुरु डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, प्राचार्य डॉक्टर जे ए शेख, डॉक्टर ईश्वर मोहरले व अन्य मान्यवरों की उपस्थिति होकर कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। मान्यवरों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह पश्चात मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जैन संघटना आयोजित करण्याचा मानस त्यांनी केला। त्या सरदार पटेल महाविद्यालयाने ही संधी मिळाली। खर तर अतिशय महत्वपूर्ण आणि आज घडलेल्या ज्या निर्णयाच्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना समग्र भारत स्तरावर घडताना दिसतात, त्या अनुषंगाने कुठेतरी जनजागरण होण्याच्या दृष्टीने महाविद्यालय खरोखरच एक सामूहिक व्यासपीठ आहे। विद्यार्थी संघाचा विचार करत असताना मुलांपेक्षा मुलींची संख्या सातत्याने महाविद्यालयात वाढते आहे आणि त्यामुळे केवळ गाजावाजा करून चालणार नाही तर एखादी घटना घडल्यानंतर त्याचा निषेध करून चालणार नाही तर या घटना घडणारच नाही, या घटना कमी प्रमाणात कशा घडतील यावर आधीच आपल्याला काय उपाययोजना करता येईल या दृष्टीनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे। आणि मला असं वाटतं की जर महिला सक्षम झाली, महिला जर आत्मनिर्भर असेल, स्वतःच रक्षण करण्याची क्षमता जर तिच्यामध्ये असेल, तर याच्या घटना सातत्याने तुम्हाला सर्वांना घडताना दिसतात, यावर निश्चितपणे निर्बंध आपल्याला आवश्यक होईल। आणि मला असं वाटतं की या माध्यमाने आपण तेच करणार आहोत, कारण आता याचा आत्ता जो गाभा आहे तो मला माहित नाही, कारण हा विषय झालेली आहे आणि त्यामुळे विद्यापीठ ज्या उद्देशाने युनिव्हर्सिटी अंतर्गत कार्य करने के बारे में ये देखा गया कि आज की तारीख में यूनिवर्सिटी की तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदला है। शिक्षक की महत्ता को फिर से वही महत्व के प्रदान होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे व्यसन मुक्ति कार्यक्रम का आया है तो सबसे पहला हमारे पास रिसर्च की तरफ से अभय मुंडी का प्रपोजल आया है, मुझे बहुत बड़ा प्रपोजल आया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट सॉल्व कैसे स्वच्छता अभियान कराए और मुंबई यूनिवर्सिटी में नीले प्रोग्राम चेक करो। स्वच्छता अभियान को लागू करने के लिए आज एक सोर्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना जिस उद्देश्य और जिस मकसद से बनाई हुई थी आज उसकी तरफ देखने का और उसकी तरफ आशा से लोग देख रहे हैं, क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री, गोंडवाना इंडस्ट्री, अमरावती इंडस्ट्री ने इतना अच्छा नेटवर्क जैसे तैयार किया है कि आज उस किसी भी कार्यक्रम के लिए यदि राष्ट्रीय सेवा योजना के व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसको एक व्यापकता मिलती है और उसके लिए काम करना इजी होता है। तो जब ये बात हो रही थी तो कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं कि जून महीने की बात थी, अशोक सिंह भी हम लोग बैठे थे, चौथों सैनिक पार्क आए थे, उनसे बात करते करते जो से फॉरवर्ड प्रोग्राम की बात हुई एंड बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ राजीव गांधी कॉलेज जहाँ मेरे यार बाहर की लड़की आती है हॉस्टल में रहती है तो मैं उनके पीछे पड़ा था कि कार्यक्रम आप वहाँ पे लेंगे। ये कार्यक्रम वहाँ हो भी जाता था और सिंधी जी का था कि चंद्रपुर के अंदर है और वो पहले करना है और अच्छे से अच्छा ट्रेलर लाऊंगा, तो वो अच्छे से अच्छा ट्रेलर लाना उस मोड निकलने में वो मोड निकल गया वो प्रिंसिपल से प्रमोट होकर वाइस चांसलर। इस वक्त उपस्थित मान्यवरों सहित शिक्षक वृंद व विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल थे।